नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महसी विधानसभा बहराइच के निवासी प्रदीप कुमार बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो कि चुनाव के वक्त भाजपा इनसे पोलिंग पे देखभाल करवाती थी, मगर आज इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं मिल रहा है। दरअसल दर दर की ठोकर खाते फिर रहे। सबसे अहम बात तो ये है कि सत्ता में कार्य करने वाले को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। साथ ही साथ भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक सबसे मदद मांग चुके हैं प्रदीप कुमार, लेकिन अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। घर में माँ बाप हैं, भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। साथ ही अहम बात तो ये है कि प्रदीप कुमार कहते हैं कि विपक्ष को वोट दे दूंगा मगर अपनी पार्टी को नहीं दूंगा। आइए आपको सुनाते हैं प्रदीप कुमार ने क्या कहा है। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ के रहने वाले प्रदीप सर? जी, हम बहराइच के रहने वाले हैं। महासी विधानसभा लगता है सर हमारा। जी, पार्टी का कार्ड रखे हुए हो क्या? जी, भाजपा पार्टी से जी हम जुड़े हुए हैं, भाजपा सेवक हैं, भाजपा कार्यकर्ता। पर जी हम एक महीना हो गया हमें लखनऊ आए हुए, कोई कार्य नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा है सर जी। बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही। पार्टी में लोगों को बताया तुमने यहाँ काम करते थे, इनसे जुड़े हुए जिनके माध्यम? जी, हमने विधायक को भी बताया, 1,00,000 रुपए का मेरा लोन पास किया गया था मुख्यमंत्री आवास से, वो भी जो हमारे दिया। आप लोन किसने निरस्त करवा दिया? सुरेशर सिंह विधायक ने, जब उनके पास कागज गया तो उन्होंने निरस्त करवा दिया सर। लोन कहाँ से पास हुआ था? जी यही मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार से अप्लीकेशन लिए थे सर। विधायक कहाँ के तुम्हारे? बहराइच के विधायक? जी, महासी विधानसभा, सुरेशर सिंह विधायक। जी, अभी कैसे क्या कारोबार कोई है, रोजगार कैसे चला? जी, कोई रोजगार नहीं है, खाली घूम रहे हैं बस। एक महीने से कोई काम नहीं? जी नहीं। परिवार कैसे चलता है? परिवार जी, मम्मी पापा हैं घर पे, बहुत दिक्कत हो रही है। जी, पार्टी में तुम कार्यकर्ता रहे हो, तुम बताते हो चुनाव नाव में तुमने काम? जी जी, हमेशा पार्टी पोलिंग का मेंबर बनाया जाता है। पोलिंग के मेंबर? जी, जब चुनाव आता है तो वहाँ की मेंबर बनाया जाता है, देखभाल हम ही को करना पड़ता है। किस पोलिंग पे रहते थे? जी, हमारा महासी विधानसभा है, 375 पोलिंग नंबर। कोई मदद नहीं मिल रही? जी, कोई मदद नहीं मिल रही है। लोगों ने पार्टी ज्वाइन करवाया था, वो हालचाल लेते हैं? जी, कोई हालचाल नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। विधायक के पास जाओ तो वो भी वैसे बताते हैं, अध्यक्ष के पास जाओ तो वो भी बताते हैं, प्रधान जी के पास जाओ तो वो भी बताते हैं। 1,001 आवास का जो है, 1,20,000 रुपये आवास का होता है, 3200 की आबादी है सर जी, 1 आवास पे 30,000 रुपये डायरेक्ट लिया जा रहा है, प्रधान जी ले रहे हैं। 3200 की शौचालय की आबादी 3200 की है जनसंख्या, किसी को भी एक शौचालय नहीं दिया गया है सर। जो किसी का राशन कार्ड बना भी होता है उसको कोटेदार और प्रधान जी मिलके कार्ड देते हैं। एक यूनिट का गवर्नमेंट का आदेश है कि एक इंसान को 5 किलो एक यूनिट पर राशन कार्ड मिलना, राशन मिलना चाहिए। प्रधान किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? जी, पार्टी से नहीं होते, फिर भी 4 किलो जो है एक यूनिट पे दिया जाता है। नहीं, नॉर्मल है सर जी। जी, अब बताइए, एक यूनिट पे 4 किलो राशन कार्ड दिया जा रहा है, 5 किलो का आदेश है, तो 10 किलो राशन में बच्चे अपने कैसे परिवार अपना बच्चा जियाएगा, आप बताइए सर। तो ये गवर्नमेंट चल पाएगी सर जी, आप ही बताइए। जब कार्यकर्ता परेशान जी, सपोर्ट हम नहीं करेंगे। अब जो हम दूसरी अन्य पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, विपक्ष पार्टी को, मगर हम अपनी पार्टी को नहीं करेंगे सर।